फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोकल स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वकैब सीरीज शुरू की है, जिसमें हम ए टू जेड तक सभी वकैब, मेन वकैब है वो याद करेंगे। लेकिन इसी के साथ जो इस वीडियो में हम एक नया मेथड यूज़ करेंगे वकैब को याद करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो। क्या है जो हमारा नया मेथड है, उसमें क्या दिया हुआ है? एक आपको वर्ड दिया गया होगा, इसका आपको कहा जाएगा कि इसका गैस कीजिए, इसका क्या मतलब होगा, जो वर्ड मेन वर्ड दिया गया होगा। लेकिन जो इसकी ऑप्शंस होंगी, इनमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि तीन जो ऑप्शन होगी वो इस वर्ड का सिमिलर होंगी, मतलब कि इसके सिनोनिम होगी, और जो एक ऑप्शन है वो इसका एंटोनिम होगी, इसके उल्ट होगी, विपरीत शब्द होगा इसका वर्ड का। जैसे कि जो मैंने यहाँ पर वर्ड दिया है कैलस, सो कैलस में कैलस क्या है, एक वर्ड है, इसका आपने एंटोनिम बताना है कि इसका एंटोनिम क्या है। तीन इसके सिनोनिम है और एक इसका एंटोनिम है, इसके उल्ट काम करता है। आप इससे कैसे कर सकते हैं आपका जो वर्क इजी रहे, इसके लिए हमने एक एग्जांपल डाली है। हर एक वर्ड में हमने आके एग्जांपल दी है, जिसे पढ़कर आप गैस लगा सकें कि इसका सिनोनिम क्या होगा, या इसका मतलब क्या निकल कर आएगा। ये चारों स्टेटमेंटों में से तीन क्या है, इसके सिनोनिम है और एक इसके एंटोनिम है। आपको क्या होगा, आपको गैस करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। हाँ, अगर आपको 5 सेकंड भी कम पड़ते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद गैस लगा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, आपको ये वर्ड इजीली याद हो जाएगा। सो आप बताएं, हमारा जो पहला वर्ड है आज का वो है कैलस। कैलस का क्या मतलब होता है? तीन इसके सिनोनिम है और इसका एंटोनिम है, तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, सोचिए। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या गैस किया, इस कैलस का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया होगा तो अनसिम्पैथेटिक, हार्डन एंड हर्टलेस, ये तीनों वर्ड सिमिलर है। हर्टलेस मतलब जिसके पास दिल ना हो, कठोर होना। हार्डन का मतलब भी क्या होता है, कठोर। और अनसिम्पैथेटिक मतलब जो दया, सिंपति ना दिखाए, तो ये तीनों का मतलब कठोर है। तो इसका कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर हुआ। कठोर जब कोई सख्त बिहेवियर करे उसे कैलस कहते हैं। और ये क्या है, ऑफिशियस। ऑफिशियस क्या होता है, इसका मतलब होता है रेडी टू हेल्प, जो हमेशा सहायता के लिए तैयार रहे। जो हार्ड व्यक्ति होगा वो सहायता नहीं करेगा। ऑफिशियस क्या होता है, जो हमेशा सहायता के लिए तैयार रहे। सो ये इसका कैलस का विपरीत शब्द है। ये एक एग्जांपल से भी क्लियर था। देखिए, द किलर वॉज ए कैलस मैन, जो किलर है, जो मतलब कि जिसने किल किया है आदमी को, वो क्या है, कैलस मैन है। हु मर्डर्ड, जिसने क्या किया है, पाँच स्टूडेंटों का मर्डर कर दिया है। सो चलिए अपना सेकंड वर्ड देखते हैं क्या है। हमारा सेकंड वर्ड क्या है, हमारा सेकंड वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट हमारा सेकंड वर्ड है। इसके भी जो चार हमने ऑप्शन दिए हैं, तीन इसकी सिनोनिम है और एक इसका विपरीत शब्द है। सो लीजिए अपने 5 सेकंड और देखिए इसका क्या मतलब आता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपने क्या गैस किया, इसका जो एंटोनियम है वो है ऑडासियस। ऑडासियस इसका मतलब होता है डीट होना, व्यक्ति जो एक डीट व्यक्ति हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑडासियस कहते हैं। और इसके जो सिनोनियम है कॉन्ट्राइट के, वो क्या है, पेनिटेंट, रिपेंटेंट एंड रिमोर्स। इसका मतलब क्या होता है, आपको रिमोर्सफुल का मतलब पता है, पछतावा करना। रिपेंट क्या है, पछतावा करना। पेनिटेंट क्या है, पछतावा करना। और कंट्राइट भी क्या है, पछतावा करना। यहाँ पर एक जो एग्जांपल दी थी आपको कैसे लगाने के लिए, वो क्या थी, ही मेड ए कंट्राइट अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या होता है, माफ़ी मांगना। उसने कंट्राइट मतलब पछतावे भरी एक माफ़ी मांगी मुझसे। सो लेट्स मूव टू अवर अनदर वर्ड। अवर अनदर वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट आपने गैस करना है। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आपने बताना है इन चार वर्डों में से इसका एंटोनियम क्या और कौन से तीन वर्ड हैं जो इसके सिमिलर है। सो लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे बताएं। जी आपको एग्जांपल दी गई है ताकि आपका जो वर्क है वो इजी हो सके और आप इजीली गैस कर सकें। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कोशिश, अटेंटिव एंड वेरी, ये तीनों क्या है, सिनोनिम है। इसका मतलब होता है ध्यान, सावधान रहना। अटेंटिव सावधान होता है, ध्यान और कोशिश भी सावधान होता है, वेरी भी।
ये कला फोर्थ वर्ड था रैकलेस, जो इसका विपरीत था। इसका मतलब होता है काला, जो ज़्यादा काली करता है ना, हरी में होता है उसे कहते हैं। जो ज़्यादा हरी में होगा वो सावधान भी नहीं होगा इतना। तो ये इसका विपरीत वर्ड है। और जो इसके सिमिलर वर्ड थे वो क्या था, कोशिश, अटेंटिव एंड वेरी। आई होप आपको ये वर्ड का असली मीनिंग मतलब मालूम चल गया होगा। सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान और चौकस। और ये इसकी एग्जाम्पल थी जिससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा आएगा। शी इज़ वहाँ है वेरी सरकमस्पेक्ट, वेरी सरकमस्पेक्ट मतलब वेरी सावधान, बहुत चौकस है। वैन, जब डीलिंग विद स्ट्रेंजर, जब वह स्ट्रेंजर के साथ डील करती है, स्ट्रेंजर मतलब कि नए व्यक्तियों के साथ जब वो डील करती है तो वो क्या है, बहुत ही सावधान होकर डील करती है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या है, इसका गैस कीजिए आप। आपके पास 5 सेकेंड है, 3 इसके सनोनियम है और 1 इसके एंटोनियम है। सो लीजिए अपने 5 सेकेंड। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने, इसका जो एंटोनियम है वो क्या है, ये फसाइल, ये इसका एंटोनियम है। और ये स्ट्रोंग, पर्टिनेंट एंड फोर्सफुल, ये क्या है, इसके सनोनियम्स हैं। ये एंटोनियम है इसका, ये सनोनियम्स है। कोजेंट का वैसे मकसद होता है कोई स्ट्रोंग चीज़, स्ट्रोंग चीज़ नहीं होता, कोई स्ट्रोंग दलील वगैरह होती है ना, कोई बात जो बहुत ही स्ट्रोंग हो उसे कोजेंट कहते हैं, कोजेंट रीज़न कहते हैं। जैसे कोई रीज़न जो बहुत स्ट्रोंग है तो उसे स्ट्रोंग रीज़न कहने की बजाय कोजेंट रीज़न कहा जाता है। इसका असली यूज़ किसी रीज़न या आर्गूमेंट के साथ ही आता है। इसकी जो एग्जाम्पल थी उसे देख लीजिए क्या थी, ही प्रोड्यूस, उसने प्रोड्यूस की, पैदा की, कोजेंट रीज़न। कोजेंट मतलब कि डुकमे रीज़न, कोजेंट का मतलब होता है डुकमे, मतलब कि जिसे काटा ना जा सके, ऐसे रीज़न। फॉर द चेंज ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी में चेंज करने के लिए। इसकी एक और एग्जांपल है था जो आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाए कि कोजेंट का यूज़ असल में कहाँ होगा। जैसे द लायर से कोजेंट, लायर के जो कोजेंट मतलब कि ऐसे आर्गूमेंट, कोजेंट आर्गूमेंट, ऐसे आर्गूमेंट जिसे कोई काट नहीं सकता। कन्वाइंस द जरी, उसने जरी को, जरी होता है जज, जज की जो टीम होती है उन्हें जरी कहते हैं, उनको कन्वाइंस कर लिया, कन्वेंस कर लिया। सो लेट्स मूव टू अवर लास्ट वर्ड टुडे वीडियोस। लास्ट वर्ड क्या है, शार्लटन। शार्लटन का क्या मतलब होता है, देखिए फ्रेंड्स आपके पास 5 सेकंड है, आप गैस कीजिए। लेट्स ट्राई, एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपका गैस सही निकला तो आपको ये वर्ड वैसे ही याद हो जाएगा। अगर गलत भी हो गया तो भी आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने इस वर्ड का जो मीनिंग है वो गलत किया था। तो उसे सही करने, जब आप सही करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मैंने इस वर्ड, ये वर्ड पढ़ा हुआ है और अब मैंने इसका मीनिंग को सही किया था। पहले मैंने गलत कर दिया था लेकिन उसके बाद मुझे इसका सही मीनिंग पता लग गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस वे से याद करेंगे अगर वकैब, तो आपको, आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगी। तो लीजिए अपने 5 सेकंड और बताएं मुझे कि शार्लेंट का मतलब क्या होता है। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या गैस किया, देखिए ये इम्पोस्टर है एंड फ्रॉड एंड प्रिटेंडर, ये क्या है, इसके सैनोनियम है सभी।